आप सबका अपने YouTube चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी में स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम। गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता। मैंने घिया कस लिया है और इसमें बेसन, हल्दी, मिर्च, नमक मिला लिया है और एक साइड में प्याज और टमाटर भी काट लिया, लहसुन की कुछ कलियाँ छील ली हैं और इसमें कढ़ाई में हो रहा है रिफाइंड गरम, एक साइड हो रहा है बच्चों का दूध गरम और अब मैं बनाऊंगी पकौड़ियाँ। और अब मैंने सारी चीज़ मिक्स कर ली हैं और बेसन भी घुल चुका अच्छे से और रिफाइंड भी गर्म हो चुका है। उतारेंगे पकौड़ियाँ और ये अंदर से आ गया है चीकू उठ के, ये सो रहा था, अभी उठाया था मैंने इसको, दूध दिया है क्योंकि अभी टाइम हुआ है 6:30 और 7:30 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, इनका लंच भी तैयार करना है और इनको ब्रेकफास्ट भी कराना होता है। इसलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें जैसी भी आपको वीडियो लगे। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो मेरे चैनल को। और आज मैं बना रही हूँ मलाई कोफ्ता। जैसे अभी पकौड़ियाँ तैयार हो जाएंगी, मैं एक साइड में मलाई भी घोल लूँगी। और बीच में मैं छोटे मोटे काम भी करती रहती हूँ। और ये अब लहसुन की कलियाँ हैं, ये कुंडे में डाल के कूट लूँगी क्योंकि काटने में तो अच्छी नहीं लगती, कूटने के बाद में ही अच्छी लगती हैं, बारीक हो जाती हैं ताकि छोंक में अच्छे से हो जाए। और साथ ही साथ छोटे मोटे काम भी निपटाती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ फ्रिज में से मलाई और इसमें मलाई को कटोरी में दूसरे में डाल लूँगी और इसमें थोड़ा सा मिलाऊँगी पानी ताकि ये अच्छे से फैट के बिल्कुल पतली पतली हो जाए। ये देखिए मैंने ये घोल लिया मलाई, तब तक मेरी पकौड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी। पे फ़ोन नीचे गिर गया था इसलिए मैं वो क्लिप शूट नहीं कर पाई। मैंने इसमें टमाटर, नमक, मिर्च सारी चीज़ें मिक्स कर ली है और इसमें मलाई भी मिला दी है। मलाई डालने के बाद ये घुमाती रहूँगी ताकि मलाई फटे ना, इसलिए ये हमारा छोक हो गया तैयार। अब मैं इसमें डालूँगी पकौड़ियाँ,
ये डाल दी मैंने पकौड़ी। अब मैं छोटी चम्मच के साथ मिलाऊंगी ताकि इनमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। बड़ी चम्मच के साथ तो फूट जाएंगे, इसलिए मैंने मिलाई ये छोटी चम्मच के साथ ताकि सारा मसाला अच्छा से मिक्स हो जाए। और अब डालेंगे इसमें पानी, वो हम अपने ऊपर डिपेंड करता है कितनी तैयारी रखनी है कितनी नहीं। मैंने डाल दिया एक कटोरा पानी। थोड़ा सा और डाल देते हैं और अब इनको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। जो जी बच्चों का लंच तैयार हो गया है, उसमें कोफ्ता एप्पल और परोठा ऐसे ही चीकी का है दोनों बहन भाई, क्योंकि इन्होंने। लो जी ये हो गया हमारा मलाई कोफ्ता तैयार। उससे पहले मैंने बच्चों का लंच पैक कर दिया था, मैं आप लोगों को दिखाना भूल लो जी। मैं उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाई, फिर मैं मिलती हूँ आपको ये सारा काम करने के बाद। मेरा घर का सारे काम निमट चुके हैं, मेरा किचन भी क्लीन हो चुका है और झाड़ू पोछा सब निमट गया। अंदर कमरा भी बिल्कुल साफ है हो गया है, क्योंकि अभी बजे थे 9:30, 9:30 बजे मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था। अब मैं सरकाऊंगी अपनी मशीन, कुर्सी मैं अपनी पहले ही रखाई थी और अब ये रज़ाइयाँ पड़ी हैं, ये रज़ाइयाँ बनाऊंगी। ये डबल रज़ाई आई हुई हैं बन। लो जी अब मिलते हैं शाम को, ये मैं लगी हुई है रज़ाई बनाने। ये डबल रज़ाई है, ये पहले इस पीस को जोड़ती हूँ, दो पार्ट हैं इसके और फिर रज़ाई तैयार हो जाएगी।